नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं dlllnTop.com। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते किस दौर से गुजर रहे हैं ये सबको पता है। हाल ही में पीएम मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो पाक पीएम को न्योता तक नहीं दिया। अब वर्ल्ड कप चल रहा है तो पाकिस्तान से मैच ना खेलने की मांग लगातार सोशल मीडिया पर चल रही है। लॉर्ड्स के मैदान पर चल रहे आज तक के इवेंट सलाम क्रिकेट में हरभजन सिंह और पूर्व पाकिस्तानी कप्तान मिसबा उल हक ने इस राजनीति पर अपनी राय रखी। दोनों ने खेल को राजनीति से दूर रखने की बात कही और क्या क्या कहा खुद सुन लीजिए। इंडिया पाकिस्तान में कैरेक्टर्स भी बहुत थे। मुझे याद है जब 2004 में 6 में पाकिस्तान गए आप लोग और प्लेयर्स अक्सर दावत पर जाते थे पाकिस्तानी प्लेयरों के घरों पे। जब पाकिस्तान आया 2005 और 7 में तो कई प्लेयर्स आपके घरों में भी जाते थे। अब ये तनाव से जो पॉलिटिकल तनाव आए हैं क्या वो क्रिकेट में भी वो रिफ्लेक्ट होता है रिश्तों में? देखिए, रिश्तों में हम आपस में मिलते हैं तो ऐसा कभी मुझे तो लगा नहीं है कि रिश्तों में हमारे कोई चेंजेस आए हैं। जो हमारे जो पहले बातचीत थी या दोस्त थे वो वैसे ही हमारे साथ बात करते हैं और हम भी उनके साथ वैसे ही बिहेव करते हैं। बट हाँ, पॉलिटिकली बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हम अगर किसी के बारे में ट्वीट करते हैं, किसी को बर्थडे विश करना चाहते हैं तो हमें उल्टा गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं हमारी आवाम, क्योंकि ये भूल जाते हैं कि इंसानियत सबसे आगे है और बाकी की चीज़ें जो है वो बाद में है। ठीक है, कुछ लोग वहाँ पे ऐसे होंगे जो हिंसा को या उसको दावत देते हैं, कुछ हमारे यहाँ पे भी होंगे, तो दोनों तरफ से कोई ना कोई ख़राब चीज़ें हुई होंगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पाकिस्तान या पूरा हिंदुस्तान ख़राब हो गया। तो मेरे लिहाज से जो इंसानियत है वो सबसे आगे रखनी चाहिए और ये जो चीज़ें हैं ना इनको बहुत पीछे रखना चाहिए। और देखिए, मैं पहले भी मैंने कहा था कि कुछ भी बात होती है कहते हैं क्रिकेट खेलना बंद कर दो पाकिस्तान के साथ, बाकी की चीज़ें सब चलती रहेंगी, ट्रेड चलता रहेगा, वहाँ से माल आता जाएगा जाता जाएगा, दालें आएंगी, चावल आएंगे, सब कुछ होगा, बट क्रिकेट बंद कर दो। क्यों? हॉकी भी तो खेलते हो आप, अब बाकी के स्पोर्ट्स खेलते हो तो क्रिकेट क्यों बंद कर दें? तो मेरे ख्याल से एक ही तराजू में तोलना चाहिए। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? बिल्कुल, मैंने ये बात कही है कि कोई भी स्पोर्ट्स हो उसको पॉलिटिक्स से अलग रखें। देखिए, ये एक फैमिली है, क्रिकेट जितने भी खेलते हैं, पाकिस्तान खेलता है, बांग्लादेश खेलता है, इंडिया खेलता है, दुनिया का कोई भी मुल्क खेलता है, लेकिन ओवरऑल एक क्रिकेट की फैमिली है और आप आपस में कंपीट करते हो ग्राउंड में, लेकिन एट द सेम टाइम आपके एक दूसरे से दोस्ती भी होती है और आप उस फैमिली का हिस्सा होते हो। तो आई थिंक कि पॉलिटिक्स को बिल्कुल सेपरेटली डील करना चाहिए, उसको अलग रखना चाहिए और ये स्पोर्ट्स होती ही इसीलिए कि लोगों को करीब लाएँ। ओवरऑल एक जो इंसानियत, जिस तरह बात की वजीर हैं कि इंसानियत ज़रूरी है, उस चीज़ को लोग इंजॉय करते हैं, इंटरटेनमेंट होती है। और देखें एक कितना बड़ा जो है वो इवेंट, जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है कितनी लोगों की उसके साथ अटैचमेंट होती है, कितना उसको इंजॉय करते हैं और कितना उसको फॉलो करते हैं, वो उनसे छीनना मेरे ख्याल में ये कोई मुझे तो कोई सेंसिबल चीज़ नहीं लगती, कोई अच्छी चीज़ नहीं लगती। इसके अलावा मिसबा ने अपना फेवरेट इंडियन क्रिकेटर तो हरभजन ने अपना फेवरेट पाकिस्तानी क्रिकेटर भी बताया। सुनिए किसके नाम बताए इन दोनों ने। आप अगर किसी एक इंडियन को अपना आइडल मानते हो, एक क्रिकेटर को, वो कौन होगा? आई थिंक स्टार्ट तो ऑब्वियसली एज अ बैट्समैन सचिन तेंदुलकर, जिस तरीके से वो थ्रू आउट अपने कैरियर खेला उन्होंने, और इंडिया की क्रिकेट में चेंज जो वाकई एक चेंज आया और इंडिया ने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स की एज ए ह्यूमन भी, एज ए कैप्टन भी, एज ए क्रिकेटर भी, MS धोनी, क्योंकि वो उसको नो डाउट के बड़े बड़े स्टार्स आए, आप उनको नहीं भूल सकते, राहुल द्रविड़ हैं, उसके बाद जो सौरव गंगोली का कंट्रीब्यूशन एज ए कैप्टन, बट आई स्टिल बिलीव जो मेरा अपना हुआ है कि जो धोनी के आने से, MS के आने से और उसकी कप्तानी से और उसके टीम में आने से जो कुछ इंडिया ने अचीव किया मेरे ख्याल में वो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स। बच्चों, अगर आपको एक पाकिस्तानी कहा जाए चुनने के लिए अपना आइडल रोल मॉडल, कि यार ये बहुत बड़ा प्लेयर था जिसके खिलाफ आप खेले हों, जिसके खिलाफ आप खेले हों, एक प्लेयर चुनना मुश्किल होगा क्योंकि मेरे बहुत से फेवरेट थे। पाकिस्तान टीम की बात करूं तो वसीम अकरम आई थिंक वन ऑफ द लेजेंड, यू नो, कि उनके लिए भी ताड़ियां मार दो यार थोड़ी।
वसीम भाई बहुत बड़ा नाम थे और वर्ल्ड क्रिकेट में शायद उनसे बढ़िया लेफ्ट आर्म सीमर मैंने नहीं देखा और उतने ही खुशमिजाज बंदे हैं। और अगर एक बैट्समैन की अगर मैं बात करूं जिसको मुझे मुश्किल हुआ है बॉलिंग करना, वो होंगे इंजमामुल हक। आई थिंक ही वाज जेनियस। हरभजन मिसबा का ये किस्सा हमने आपको सुनाया, खासतौर पर राजनीति पर वो क्या सोचते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच जो चल रही है उस पर वो क्या सोचते हैं वो हमने आपको सुनाया। वर्ल्ड कप पर लल्लन टॉप की खास सीरीज़ चल रही है रनबाज, उसे भी देखते रहिए तमाम वर्ल्ड कप से जुड़े अपडेट जानने के लिए। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारी ऐप प्ले स्टोर पर है, उसे डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए। शुक्रिया।